नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। पास्ट परफेक्ट की पहचान देखेंगे, उसका पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। साथ में पॉजिटिव की एक्सरसाइज 10 सेंटेंस की, नेगेटिव की 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज, इंट्रोगेटिव के 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज भी हम यहां पर करके चलेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको स्लाइड देता हुआ चल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप उसे बना रहे होंगे अपनी नोटबुक में नोट कर। तो आज हम एक और नियम सीखेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को मिलाकर चलाया जाता है। बिफोर और आफ्टर दो शब्द होते हैं, आपने बिल्कुल सुने होंगे। आज हम उसका एक रूल सीखेंगे हिंदी में किस तरीके से पहचाने कि इसमें बिफोर और आफ्टर लगाना है, और इंग्लिश में कैसे बनेगा कि कब बिफोर लगेगा, कब आफ्टर लगेगा। बिफोर लगेगा तो कौन सा टेंस पहले लिखा जाएगा, कौन सा टेंस बाद में लिखा जाएगा। आफ्टर लगेगा तो कौन सा टेंस पहले आएगा, कौन सा टेंस बाद में आएगा। तो क्रिएशन के साथ साथ आज हम बिफोर आफ्टर का रूल भी सीख के चलेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को हम डिस्कस कर चुके हैं और पास्ट परफेक्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और बिफोर आफ्टर में दोनों ही काम आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रामर से हमने पूछा कि इसकी पहचान बता दो, तो ग्रामर ने जवाब दिया कि हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये देखिए, आ चुकी है पहचान। इसने कहा चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द का प्रयोग होगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द का प्रयोग होगा, या फिर वाक्य के अंत में या था, यी थी, ये थे शब्द भी आ सकता है। उसमें भी किसका प्रयोग होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। देखिए, बिफोर आफ्टर का भी नियम यहाँ पर सीख के चलेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक बार इसका फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब जो काम आती है वो ये आती है, हैड। सर, अकेली हैड ही काम आती है क्या? बिल्कुल, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब काम आती है, हैड। कोई सा भी सब्जेक्ट बने, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ भी बन जाए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेड को लिखना पड़ेगा। यानी आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, या कोई भी सिंगुलर या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का प्रयोग होगा। यहाँ ये याद नहीं रखना है कि हमें कहाँ हेड लगाना है या कहाँ कुछ दूसरा लगाना है, क्योंकि सबके साथ ही यहाँ क्या चलेगी, हेड चलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, बनाते हैं इसका फॉर्मूला, किस तरीके से क्रिएट होगा, पहले क्या चाहिए, कब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, उस प्रोसेस से शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बार पहला आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी ग्रामर ने बताई थी कि हेड होती है। फिर वर्ब की हमें क्या काम में लेनी है, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी सब्जेक्ट आ गया, फिर हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट हमारे वाक्य का कुछ भी बने, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हेड लिखना पड़ेगा। तो आइए एक बार सेंटेंस बनाते हैं, दो तीन सेंटेंस को बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद में बिफोर आफ्टर के नियम को डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहले एक बार दो तीन सेंटेंस के साथ में देखते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले के जरिए हमें हिंदी से इंग्लिश बनानी है। पहले सेंटेंस को हम बनाते हैं एक बार इसे फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो आसमान में सितारे चमक चुके थे, सितारा सब्जेक्ट बनेगा, द स्टार्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाया, हेड लगाया, द स्टार्स हेड। क्या वर्ब आ रही है, चमकना, चमकने की क्या होती है, शाइन, क्या करते हैं, चमकते हैं, सितारे बोलते हैं ना, आसमान में सितारे चमक रहे हैं, तो चमकने की क्या होती है, शाइन, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, शोन। तो शोन अब कहां पर, आसमान में, इन द स्काई,
फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल हमारा बन के तैयार हो चुका है। दूसरा सेंटेंस क्या आया, भारत पाकिस्तान पर हमला कर चुका था। बनाते हैं इसे एक बार देखिए, भारत का क्या हो गया, इंडिया, इंडिया के साथ हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, इंडिया हेड। हमला करने की क्या होती है, अटैक, अटैक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अटैक्ड, ईडी लग जाएगा। इंडिया हैड अटैक्ड किस पर कर चुका था, ऑन पाकिस्तान, ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान। तीसरा सेंटेंस आया, बारिश हो चुकी थी। बोला सर ये कैसा अजीब सा सेंटेंस है, जैसे अपन बोलते हैं ना बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, क्या बोलते हैं, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, सब्जेक्ट बनेगा इट, इट के साथ में क्या लगेगा, हेड लगेगा। अब इट हैड, क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश होने की वर्ब क्या होती है, रेन, बोलते ना इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, वो कंटिन्यूअस में बोला जाता है। लेकिन अभी हमें क्या बोलना है, बारिश हो चुकी थी, यानी वो चीज बीत चुकी है। तो इट हैड आर ए आई एन, क्या जोड़ दूंगा इसमें, ईडी, और ये किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म में। तो तीसरा सेंटेंस भी हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये जो स्लाइड आई है आपके सामने एक्सरसाइज है, ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज है, इन 10 के 10 सेंटेंस को आपको बनाना है। अगर कोई दिक्कत आती है वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, किसी सब्जेक्ट को ढूंढने में, वर्ब को ढूंढने में, फॉर्मूले को बनाने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे बिफोर और आफ्टर को। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ हम बिफोर आफ्टर को सीखेंगे। देखिए मैं आपको बिफोर आफ्टर के लिए सबसे एक बड़ी चीज बताता हूँ कि जब एक के बाद एक, बोलते हैं ना यार एक के बाद एक दो काम कर दिए मैंने, तो इसको इंग्लिश ग्रामर ने इसको अपने अंदर मिलाया और यहाँ पर बिफोर आफ्टर का नियम क्रिएट किया। और बिफोर आफ्टर का नियम उसने कैसे क्रिएट किया, उसने कहा एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी ऊपर नीचे, एक के बाद एक जब दो कार्य हो जाएंगे तो उसे दो खंड वाक्यों में बनाया जाएगा। और दो खंड वाक्य बनाने के लिए जब एक के बाद एक दो कार्य हों तो दो चीजें उसने दी, कौन कौन सी, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का यूज करेंगे, बिफोर और आफ्टर के साथ में कौन कौन से टेंस काम में आएंगे, पास्ट इंडेफिनेट भी काम में आएगा और पास्ट परफेक्ट भी काम में आएगा। यानी बिफोर और आफ्टर के सामने कब पास्ट इंडेफिनेट टेंस लगेगा, कब पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, इसी चीज को हमें सीखना है। और उसके लिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला छोटा सा मैं आपको सिखाऊंगा, याद करने के लिए समझाऊंगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो पहले इसकी हम एक बार पहचान देख लेते हैं, कैसे हम इसको पहचानेंगे, हिंदी के सेंटेंस के जरिए हम कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में हम इसे कैसे लिखेंगे, दोनों ही चीजों को डिस्कस करेंगे। एक बार ध्यान से देखिए वीडियो को। तो हमने लिखा बिफोर, एक साइड में हमने लिख दिया बिफोर और एक साइड में लिख दिया हमने आफ्टर। तो बिफोर और आफ्टर का हम क्लियर कर रहे हैं। बिफोर के लिए हिंदी की मैं आपको पहचान बता देता हूं, बिफोर के लिए पूर्व या पहले, दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी, पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। खूब बचपन से बोलते आए हैं इन शब्दों को, कोई नए शब्द नहीं है आपके लिए, अनजान नहीं हो इन शब्दों से, आपको दिमाग में है और बस याद करने हैं कि ये किसके लिए आते हैं, बिफोर के लिए। आफ्टर की बात करूं तो बाद और पश्चात, इन शब्दों को भी आपने बचपन से लेके आज तक कम से कम 10 लाख बार बोल चुके होंगे कि बाद में करना इस काम को, अब मैं पश्चात काम करूंगा, इसके बाद में काम करूंगा, दोनों ही साइड में पूर्व पहले बाद पश्चात, चारों शब्द नए नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल पुराने शब्द हैं, लेकिन इन्हें हमें आज तक यूज नहीं कर पाए कि आफ्टर और बिफोर, बिफोर और आफ्टर के लिए काम में आते हैं। तो पूर्व आ जाए, पहले आ जाए, क्या आएगा, बिफोर आएगा, बाद आ जाए, पश्चात आ जाए, क्या आएगा, आफ्टर आएगा। बोला सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसीलिए तो समझा रहे हैं कि जब हिंदी के वाक्य में क्या लिखा मिले, पूर्व या पहले, क्या लिखा मिले, पूर्व या पहले, तो हमें उसमें किसको काम में लेना है, बिफोर को काम में लेना है, किसको काम में लेना है, बिफोर को। और अगर बाद या पश्चात लिखा मिले तो हमें क्या काम में लेना है, आफ्टर को काम में लेना है। तो बिफोर आफ्टर का एक बार एक एक सेंटेंस देख लेते हैं कि कैसे बिफोर लगाना है, कैसे आफ्टर लगाना है, दो सेंटेंस के जरिए समझ रहे हैं, बाकी सेंटेंस मैं एक्सरसाइज में डाल दूंगा, वहां आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक बार देखते हैं कैसे बिफोर को काम में लेंगे, कैसे आफ्टर को काम में लेंगे, किस फॉर्मूले से बिफोर बनेगा और किस फॉर्मूले से आफ्टर बनेगा। तो एक बार फॉर्मूला बनाते हैं, ये बिफोर और यहाँ पर ये आफ्टर लिखा हुआ है,
बिफोर की अगर बात करें तो बिफोर की अगर बात करें तो बिफोर से पहले आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और बिफोर के बाद में आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर के बाद में कौन सा आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर बात करते हैं आफ्टर की, तो आफ्टर से पहले पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, आफ्टर से पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और आफ्टर के बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट। इस तरीके से ये काम में लिया जाएगा, बिफोर और आफ्टर। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। तो एक बार सेंटेंस के जरिए हम इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए, एक बार सेंटेंस बनाते हैं। तो दो सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे, दो सेंटेंस को देख लेते हैं एक बार। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, पहले आ गया। पहले का मैंने बताया था, पहले आ जाए या पूर्व आ जाए, बिफोर का यूज करेंगे। यानी सेंटेंस में क्या आएगा? बिफोर आएगा, और बिफोर वाला नियम लगेगा, यानी बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट। दूसरे सेंटेंस को देखा, वृद्धा, वृद्धा, वृद्ध बोलेंगे तो पुरुष की बात होगी, और वृद्धा बोलेंगे तो महिला की बात है यहाँ। यानी वृद्धा के मरने के बाद, बाद आया, बाद या पश्चात आ जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? आफ्टर का। और आफ्टर का रूल क्या कहता है कि आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। तो आइए इसको बनाते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो हमने सबसे पहले लिखा द ट्रेन, TRAIN, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम में लिया, क्योंकि बिफोर से पहले क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। द ट्रेन हैड लेफ्ट, छूट चुकी थी किससे पहले? मेरे पहुंचने से पहले की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा? बिफोर आ गया। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो चुका है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं, वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया। देखिए यहाँ वृद्धा यानी महिला की बात हो रही है, पुरुष की बात नहीं हो रही है। अब बाद में कौन सा काम हुआ? डॉक्टर का नहीं आना। पहले कौन मरी? महिला। यानी यहाँ बाद का जिक्र है, आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं, और आफ्टर से पहले कौन सा टेंस आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा। बनाते हैं इसे एक बार, द डॉक्टर डिड नॉट। देखिए एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला लगेगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला लगेगा। आगे बढ़ते हैं, द डॉक्टर डिड नॉट कम। अब आफ्टर की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर यहाँ लिख दिया हमने, आफ्टर। अब बाद में क्या काम हुआ? भाई डॉक्टर नहीं आया, उसको हमने लिख दिया वृद्धा के मरने के बाद। अब आफ्टर के बाद में हमने उसका काम लिखना है, तो द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी हैड डाइड, ओल्ड लेडी हैड डाइड। तो दोनों सेंटेंस मैंने बना दिए हैं, बिफोर और आफ्टर का। ये वाला बिफोर से बना, ये आफ्टर से बना। फिर ध्यान कर लेना, बिफोर से पहले कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और बिफोर के बाद में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और आफ्टर के बाद में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ बिफोर और आफ्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज हम अभी आगे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बचा हुआ है। तो नेगेटिव की तरफ अपन मूव करते हैं, एक बार नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस देखेंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूले की अगर बात करी हमने ग्रामर से, तो उसने कहा नेगेटिव में सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट आया। पास्ट परफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आई? हैड आई। नॉट का हमेशा कौन सा नंबर रहता है? थर्ड रहता है। यानी नॉट हमेशा कौन से नंबर पर? थर्ड नंबर पर। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमने अभी पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव का फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम तीन सेंटेंस अभी बनाकर देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, राम ने मुझे अपनी किताबें नहीं दी थी, बनाने चले तो सब्जेक्ट क्या बना? राम बना। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम आई? हैड। नेगेटिव है इसलिए क्या लगा दिया? नॉट। अब क्या कह रहा है ये? राम ने मुझे अपनी किताबें नहीं दी थी। किसी को देना, कोई चीज भी हम किसी को देते हैं तो देने की वर्ब क्या होती है? गिव होती है। और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। तो राम हैड नॉट गिवन, क्या नहीं? राम हैड नॉट गिवन मी, मुझे नहीं दिया था क्या? अपनी किताबें।
तो हिज बुक्स, भाई एक से ज्यादा है इसलिए हमने बुक की जगह क्या लिख दिया, बुक्स, क्योंकि यहां क्या दे रहा है, किताबें ज्यादा की बात कर रहा है। सेकंड सेंटेंस बनाने चले तो सेकंड सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर एक सीखने का रूल है, वो रूल क्या है, वो नियम क्या है, उससे पहले एक बार आधा सेंटेंस हम बनाते हैं, वह के लिए क्या आया, यहां ही आया, उसके बाद में हेड लगाया हमने, नेगेटिव है तो नॉट लगाया, अब गलत हो गया क्योंकि हम नेगेटिव में क्या बना के चल रहे हैं, नॉट लगा के चल रहे हैं, हमने सेंटेंस को ध्यान से नहीं पढ़ा कि यहां पर नहीं नहीं लिख रहा अकेला, वो क्या लिख रहा है, कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए नॉट काम में नहीं आएगा, क्या काम में आएगा, नेवर काम में आएगा, यानी नॉट नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, नेवर आएगा, तो सेंटेंस क्या आएगा, ही हैड नेवर, ही हैड नेवर। सर नॉट को काम में क्यों नहीं लेंगे, नेवर लिखना है तो लिख दो, नॉट जरूरी है क्या, नहीं लगाए तो भैया एक बात बता दूं, नेवर का मतलब भी नकारात्मकता बताना है और नॉट का मतलब भी नकारात्मकता बताना है। जब एक बार एक शब्द से सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है तो बार बार हमें उसमें नेगेटिव वर्ड यूज में लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर नॉट नहीं आएगा, अगर कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्या आएगा, क्योंकि यहां अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, वह लड़की स्कूल नहीं गई थी, तो नॉट आता आराम से, फिर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहां इसने लिखा वह लड़की स्कूल कभी नहीं गई थी, तो कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर आएगा, और जब नेवर आ चुका है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को, ही हैड नेवर, अब जाने की क्या होती है, गो होती है, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। अब कहां नहीं गई वो, वह लड़की स्कूल कभी नहीं गई, तो टू स्कूल, ये दूसरा सेंटेंस भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। थर्ड सेंटेंस को बनाने चले, मेरी बड़ी बहन, बड़ी बहन मतलब एल्डर सिस्टर, तो मेरी के लिए आ गया माई, बड़ी के लिए आ गया एल्डर, और बहन के लिए आ गया सिस्टर। हेल्पिंग वर्ब की बात करी तो क्या आ गया, हेड, नेगेटिव है इसलिए नॉट। अब एम ए क्लियर कैसे करते हैं, एग्जाम पास करके करते हैं, यानी उसने एग्जाम पास नहीं किया, तो माई एल्डर सिस्टर हैड नॉट पास्ड, क्या नहीं किया, एम ए, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ये नेगेटिव के तीनों सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिए, इसके बाद में ये सात सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी हिंदी आपके सामने आ चुकी है और ये नीचे इनकी इंग्लिश अब आपके सामने आ चुकी है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में इन्हें नोट करना है पहले, उसके बाद में आपको रीचेक करना है। अब एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ, ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज आपके सामने आ चुकी है, इन 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको आंसर कर दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। देखिए ये इंट्रोगेटिव आया, पास्ट परफेक्ट का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, ग्रामर से पूछें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक ट्रिक बताई थी, एक तरीका बताया था इंट्रोगेटिव को याद रखने का, जो पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, उसमें आप क्या कीजिए, वहां पर फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आती है, उन दोनों को चेंज कर दीजिए, यानी फर्स्ट नंबर पे आप क्या रख दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड नंबर पे क्या ले जाइए, सब्जेक्ट को। तो आइए बनाते हैं एक बार, फर्स्ट नंबर पे क्या आया, हेड आया, उसके बाद में क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की क्या आई, थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, भूल गए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आइए एक बार तीन सेंटेंस के जरिए इस फॉर्मूले को भी अपने दिमाग में बैठा लें कि कैसे इस फॉर्मूले को सेंटेंस में लगाना है, तीन सेंटेंस डिस्कस करते हैं एक बार। सेंटेंस को बनाने चले तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हेड लिखा, उसने तुमसे बात कर ली थी, हेड ही, अब नेगेटिव है नहीं तो नॉट का कोई चक्कर ही नहीं है, हेड ही, अब बात करने की क्या होती है, टॉक होती है, टी ए एल के, थर्ड फॉर्म बनाई तो क्या लगा दिया, ईडी, हैड ही टॉक्ड टू यू, किससे बात करी है, तुमसे, तो हैड ही टॉक्ड टू यू, फर्स्ट सेंटेंस रेडी है। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, क्या मैंने तुम्हें 100 रुपए का नोट दिया था, क्या के लिए अपन ने क्या लगा दिया, हैड लगा दिया, मैंने के लिए क्या आ गया, आई आ गया, हैड आई, अब देने की क्या होती है, गिव होती है, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन, हैड आई गिवन किसको, तुम्हें, हैड आई गिवन यू 100 रुपए का नोट, तो ए एच यू एन डी आर ई डी 100 रुपीज नोट, 100 रुपीज नोट,
ये सेकंड सेंटेंस भी बन गया है, हैड आई गिवन यू ए 100 रुपीज नोट। थर्ड सेंटेंस को बनाने चले, क्या भारत के प्रधानमंत्री ने स्टेज पर भाषण दिया था, क्या के लिए हमने लिख दिया हैड। भारत के प्रधानमंत्री बड़ा सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमारा सब्जेक्ट बना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब इसके बाद में हमें हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब ढूंढने चले तो भाषण जब हम देते हैं तो हमारी जो सोच होती है, जो हम अपने जहन में सोच के आए हैं जनता की सेवा के लिए, उसको हम क्या करते हैं, अपने से निकाल कर दूसरे को डिलीवर करते हैं। तो हमारे यहाँ वर्ब क्या मिली, डिलीवर, और थर्ड फॉर्म अगर उसकी बनाई तो क्या बन गई, डिलीवर्ड। अब क्या डिलीवर कर रहे हैं, वो स्पीच यानी भाषण, स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं कहाँ पर, स्टेज पर खड़े होके, तो ऑन द स्टेज। और ये तीसरा सेंटेंस भी बहुत आसानी से हमने बना लिया। तो ये तीनों सेंटेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, इन तीन सेंटेंस के बाद में ये सात सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, इनको कॉपी में नोट कीजिए, और ये इनके नीचे इनकी इंग्लिश आ चुकी है, पहले बनाइए फिर उसको चेक कीजिए। और उसके बाद में ये जो स्लाइड आई है आपके सामने एक्सरसाइज है, ये 10 सेंटेंस की एक्सरसाइज है, इन 10 के 10 सेंटेंस को आपको बनाना है। अगर कोई दिक्कत आती है वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में, किसी सब्जेक्ट को ढूंढने में, वर्ब को ढूंढने में, फॉर्मूले को बनाने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये आया हमारे सामने पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले को अगर बनाने चलते हैं तो सबसे पहले क्या आया, हेड आया, उसके बाद में क्या आया, सब्जेक्ट आया, नॉट का नंबर कौन सा आया, थर्ड आया, फिर वर्ब की क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तीन सेंटेंस और इसके बना के देख लेते हैं, तीन सेंटेंस के जरिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, हेड लिख दिया। अब बात किसकी हो रही है, खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। अब खिलाड़ी मैदान में खेलेंगे तो एक दूसरे के साथ खेलेंगे यानी ज़्यादा खेलेंगे, तो यहाँ पर खिलाड़ियों की बात हुई तो हमने क्या लिख दिया, द प्लेयर, और प्लेयर के साथ में क्या लगा दिया, एस, हेड द प्लेयर्स। अब नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या लगाया, नॉट, हेड द प्लेयर नॉट। अब नॉट के बाद में भाई हमें वर्ब चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या है वर्ब, खेलना, खेलने की क्या होती है, प्ले होती है। थर्ड फॉर्म बनाई तो क्या लगा दिया, ईडी, हेड द प्लेयर्स नॉट प्लेड। अब क्या खेलने की बात हो रही है, फुटबॉल खेलने की बात हो रही है, तो द फुटबॉल। अब फुटबॉल जो खेलेंगे वो कहीं ना कहीं तो खेलेंगे ना, तो द फुटबॉल कहाँ पर, मैदान में। तो लास्ट में क्या आ गया, इन द फील्ड, इन द फील्ड। और ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया। दूसरे को बनाने चले तो क्या, उसने तुमसे रीना के बारे में बात नहीं की थी। बनाने की शुरुआत करी तो क्या आया, हेड, हेड ही। उसके बाद में नेगेटिव है तो क्या चाहिए, नॉट। बात करने की क्या होती है, टॉक होती है, ईडी लगाते ही क्या बन गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड ही नॉट टॉक्ड। किससे, तुमसे, तो टू यू आ गया। अब किसके बारे में, रीना के बारे में, तो अबाउट, बारे में, किसी के बारे में जब बात करते हैं तो क्या लगाते हैं, अबाउट। और अबाउट के बाद में हमने क्या लिख दिया, रीना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेकंड सेंटेंस भी बन गया है। थर्ड की बात कर लेते हैं, क्या डुग्गू अपना बैग कक्षा में नहीं रख चुका था। बनाने चले तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, हेड। डुग्गू नाम है इसलिए हमने उसको एज इट इज लिख दिया, हेड डुग्गू। नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमने क्या लगाया, नॉट लगाया, हेड डुग्गू नॉट। अब क्या चाहिए हमें, वर्ब। तो रखने की क्या होती है, पुट होती है, और पुट की तीनों फॉर्म ही पुट 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 होती हैं। तो हेड डुग्गू नॉट पुट अपना बैग, तो हिज बैग। अब कहाँ रखने की बात हो रही है, कक्षा में, तो इन द क्लास। तो ये हमारा थर्ड सेंटेंस भी बनकर तैयार हो गया है, क्या डुग्गू अपना बैग कक्षा में नहीं रख चुका था, तो हैड डुग्गू नॉट पुट हिज बैग इन द क्लास। तो ये हमने तीन सेंटेंस अभी डिस्कस कर लिए हैं। आगे सात सेंटेंस की स्लाइड आपके सामने आई, सात हिंदी के सेंटेंस आपके सामने आ चुके हैं।
आपको इन्हें नोट करना है, बना के देखना है, और ये इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके मैंने यहाँ नीचे दे दी है। अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर। तो ये एक्सरसाइज आपके सामने आ चुकी है। इस एक्सरसाइज जो 10 सेंटेंस ही आपको दिए हैं अभी, इन 10 सेंटेंस को आपको करके देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार, इसी तरीके से देखते रहिए हमारी हर वीडियो को। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक भारद्वाज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।